गाइस सबसे कमाल हमारा कॉमिक कॉन चल रहा है जहाँ पे हमें ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है, ट्रेलर से अपडेट और नए शोज के अनाउंसमेंट। उसी के साथ डीसी ने बम फोड़ दिया है, शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड का ट्रेलर उधर ही ड्रॉप कर दिया है, जहाँ पे ट्रेलर बहुत 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 ज्यादा ऑसम साउंड कर रहा है। इस ट्रेलर में एक चीज क्लियर देखने को मिल चुकी है कि विलन फाइनल नहीं है। जो हमें विलन देखने को मिल रहा है उसका मोटिव प्रॉपर तो है, बट वो एक ऐसा नहीं है कि शज़ाम के छक्के छुड़ा दे। यहाँ पे विलन कोई और भी हो सकता है जो अलग वाइब देगा और शज़ाम के छक्के छुड़ा देगा। आई नो इसके अंदर एक बंदा मिसिंग है, हमारा ब्लैक एडम, उसको बाद के लिए बचाएंगे, उसको पोस्ट क्रेडिट सीन में कहीं ना कहीं डाल देंगे। और शज़ाम 3 के अंदर ब्लैक एडम भी आएगा 101% श्योर, बिकॉज़ शज़ाम जहां पे ब्लैक एडम वहां पे। उसी के साथ शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड कुछ समय की बाद की मूवी है, जहां पे हमारे शज़ाम 1 के इवेंट हुए थे। शज़ाम 1 में हमारे पूरी बिली वेटसन को अपनी पावर को एनालाइज करते हुए वो मूवी निकल गई थी, जहां पे थोड़ा बहुत एडवेंचर और फाइटिंग सीन देखने को मिली थी। उसी के साथ उस मूवी में बिली वेटसन अपनी पूरी फैमिली के भाई बहनों को शज़ाम के पावर दिलवा देता है, बट इस मूवी में देखने को मिला है कि उनके पेरेंट्स को ये बात पता नहीं रहती। और यही चीज बहुत ज्यादा मजा देगी, जहाँ पे उसके पेरेंट्स उन्हें ढूंढेंगे कि वो बच्चे कहाँ गए हैं और वो बच्चे दुनिया तबाह कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं, वो तो उन्हीं को पता है। तो ट्रेलर तो बहुत ज्यादा ऑसम लग रहा है। चलो फटाफट इसका ब्रेकडाउन करते हैं, डिटेल जो हमने पकड़े आपको बताते हैं और बिना किसी का भी टाइम बर्बाद करे हुए और बिना जैक स्नाइडर के विजन के साथ, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे हमें शज़ाम 1 में दो पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलते हैं। पहले हमें मिनिस्टर माइंड देखने को मिला था, जो शज़ाम 1 के विलेन के साथ बात कर रहा था और कुछ फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा था। वैसा लग नहीं रहा इस मूवी में वो कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख्याल से शज़ाम 1 और शज़ाम 2 में टाइम जंप ज्यादा हो गया है, इस वजह से डीसीयू ने प्लान में थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। जहां पे हमें इस मूवी के अंदर ब्लैक एडम का थोड़ा बड़ा हिंट, जहां पे वंडर वुमन आएगी, थोड़ा अपना कैमियो देगी और इस मूवी के बारे में बताएगी। बिकॉज हमारी वंडर वुमन एक गॉड की बेटी है और जब जब ज्यूस की बात आती है वहां पे वंडर वुमन की एंट्री पक्की है, और यहां पे शज़ाम को पावर भी किससे मिलती है, ज्यूस से। तो वंडर वुमन इस मूवी में होने वाली है और बहुत सारे हमें इस ट्रेलर में रेफरेंस मिले हैं वंडर वुमन के, कि हाँ टॉय के थ्रू या कहीं के थ्रू तो वंडर वुमन होगी। आप इनमें से लिखवा के ले लो गोरे पेज पर। तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर ऊपर की चीज बता, इसमें गाने यूज करा है एमिनम का बिजनेस, और ये गाना 2018 में रिलीज करा था, बट इसमें जो मूवी में यूज करा थोड़ा बहुत रिमिक्स करके गानों को यूज करा है। और उसी के साथ शज़ाम की मूवी सिर्फ शज़ाम फैमिली या शज़ाम पे नहीं होने वाली, ये पूरे स्नाइडर वर्स को भी थोड़ा बहुत आगे लेके चलेगी अपने कंधों पे। बिकॉज जब जब शज़ाम अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, अपनी पावर्स के बारे में सोच रहा होता है या अपने आप को कंपैरिजन कर रहा होता है दूसरे सुपर हीरो से, वो हमें सीन देखने को मिलता है जो जैक स्नाइडर ने शूट करा था। अगर वार्नर ब्रदर्स को जैक स्नाइडर को रिस्टोर नहीं करना होता तो वो क्लिप नहीं दिखाते, पर हमें वही क्लिप देखने को मिली है। जैक स्नाइडर ने अपने हिसाब से, अपने आप से, अपने एंगल से उन सीन को शूट करा था और वही उसके इमेजिनेशन में देखने को मिला है। अगर बात करें एक्वामैन की, बैटमैन की, फ्लैश की, ऑल्दो फ्लैश का चेहरा देखने को नहीं मिला, तो मे बी कुछ भी हो सकता है। ये हिंट है कि अगर केस सॉल्व नहीं होता, अगर टिंगरबाजी रखती है तो फ्लैश को चेंज करने के हम औकात रखते हैं। बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, और आपने नोटिस कर चुके होंगे कि यहाँ शज़ाम सुपरमैन का नाम नहीं लेता, ऑल्दो शज़ाम शज़ाम 1 में सुपरमैन से पोस्ट क्रेडिट सीन में ऑलरेडी मिल चुका है, स्टिल वो सुपरमैन का नाम नहीं लेता। ये रिप्रेजेंट करता है वार्नर ब्रदर्स सुपरमैन के बारे में बात नहीं करना चाहते, बिकॉज लग रहा है वो हेनरी कैवल को चेंज करेंगे। ऑल्दो हेनरी कैवल चाहते हैं दोबारा रिटर्न करे अपने रोल में, बट ऐसा लग रहा है वो अपनी नैया डुबाएंगे अगर हेनरी कैवल को दोबारा कास्ट नहीं करेंगे, बिकॉज उनको करना ही पड़ेगा। बेस्ट एक्टर है जो हैंड सुपरमैन को परफॉर्म कर सकता है किसी भी यूनिवर्स में। डीसी छोड़ दो कि सुपरमैन अगर किसी भी यूनिवर्स में अगर आएगा तो वो हेनरी कैवल के साथ आना चाहिए। और उसी के साथ आपको पता होगा डिस्कवरी और वार्नर ब्रोस की डील के बारे में। इनडायरेक्टली डिस्कवरी के पास वार्नर मीडिया के ज्यादा राइट्स थे, मतलब ज्यादा परसेंटेज थे एज कम्पेयर टू वार्नर ब्रोस। जो भी हमारे डीसीयू का डाउनफॉल शुरू हुआ था उसका सारा रीजन डिस्कवरी था। वार्नर ब्रोस चाह के भी चेंज नहीं करा सकता, बिकॉज उसके पास मेजोरिटी वोट के राइट नहीं थे। बट 2022 के अंदर इन दोनों कंपनी की डील हो गई है, जहां पे वार्नर ब्रोस ने पूरी वार्नर मीडिया में कमान संभाली है, और आई होप वो स्नाइडरवर्स को रिवर्स कर दे एटलीस्ट। अब बात कर लेते हैं शज़ाम फैमिली की। इस मूवी के अंदर शज़ाम फैमिली के पास पावर रहेगी और नहीं भी रहेगी। जब जब विलन पावर चुराने आएंगे तो शज़ाम फैमिली अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करेगी, अपने आप को सेक्रीफाइस करेगी और विली को बचाने के लिए, और फिर उसके बाद उसके शज़ाम की पावर रहेगी और हमारा पूरा एडवेंचर देखने को मिलेगा। उसके बाद ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि ये कैसे अपनी आइडेंटिटी छुपाते अपने पेरेंट्स से। और उसी के साथ डीसी थोड़ा डार्क टोन में चलता है, पर शज़ाम में वो थोड़ा लाइट के हिसाब से चल रहा है। और उसी के हिसाब से हमें एक फैमिली का जोक भी देखने को मिला जो ओनली फॉर फास्ट एंड फ्यूरियस में चलता है, और उसके भरपूर मीम बने थे जो हम सबने शेयर करे हैं। जब शज़ाम बोलता है हमारे पास फैमिली है पर वहाँ पे कोई ना था, तो ये थोड़ा कॉमेडी साउंड कर रहा था जो अच्छा था। और वैसे ही डीसीयू से बिल्कुल हट के डीसीयू बिल्कुल डार्क टोन के लिए जाना जाता है। बैटमैन देखिए ना, हमने द बैटमैन उसमें देख लो लाइट तक नहीं चला रहे थे। अब बात कर लेते टॉयज की। हमें इस ट्रेलर के अंदर बहुत सारे स्टफ देखने को मिले, जिसमें से एनाबेला है जो द कंजूरिंग यूनिवर्स है, आपने पहचान लिया होगा, बिकॉज इनके डायरेक्टर सेम है, दैट्स व्हाई ई डोल को यहां पे रखा गया है। वैसे डोल कौन रखता है। उसी के साथ हमें वंडर वुमन के एक नहीं दो नहीं, आपको 3 से 4 डोल देखने को मिल जाएंगे वंडर वुमन की इस सीन में। ये इसीलिए बिकॉज वंडर वुमन का एक कैमियो या वंडर वुमन का फेस टू फेस होगा शज़ाम के साथ, जहां पे वो दोनों एक फाइट करेंगे
विलन से, और उसी के साथ बैटमैन का भी है जहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है बैटमैन डीसी यूनिवर्स में आ चुका है जो फ्यूचर में और कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे फ्लैश का एक रोल इसीलिए है बिकॉज फ्लैश एक की पॉइंट है जो सारे डीसी को ज्वाइन करेगा थ्रू अपने मल्टीवर्स। अब बात कर लेते हैं इस ट्रेलर के हिसाब से विलन की। मेरे हिसाब से ये विलन नहीं होने वाले, मास्टरमाइंड कोई और होने वाला है। जो इस ट्रेलर में विलन है हस्पीरा एंड क्लिप्सो। तो पहले बात कर लेते हैं ये दोनों है कौन। ये दोनों डॉटर है एटलस की, और ये इस मूवी की विलन बनी कैसे, बच्चों के पास सुपर पावर है और वो भी सुपर पावर सीधा गॉड की, और इन एटलस की डॉटर को बदला लेना है बिकॉज इनके पास उतनी ज्यादा पावर नहीं होगी जितनी सजाम और इनके फैमिली के पास होगी, तो इनको मार मुर के पावर छीनना चाहते होंगे। ये हमें ऊपर पर देखने को मिल रहा है। बट इस मूवी की स्टोरी बहुत बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाली है, और सजाम फैमिली से पावर लेने के लिए पूरा अर्थ तबाह कर देंगे। सजाम फ्यूरी ऑफ गॉड ये मूवी होने वाली गोडो की, और गोडो के पास वेपन होता है, और वही हमारे एटलस की दोनों डॉटर एक म्यूजियम में जाएंगे वो स्टिक उठाने, और वही स्टिक उसी टाइप की है जहाँ पे विल्ली को पावर मिली थी, ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रही है। और इसी स्टिक से जो भी हमें इस ट्रेलर के अंदर क्रीचर देखने को मिले, फॉर एग्जांपल ड्रैगन या और कोई पक्षी टाइप, वो इसी स्टिक की वजह से समन हो पा रहे हैं। और इस ट्रेलर में जब सजाम विलन से लड़ रहा होगा तो हम देखते हैं उसका सूट डैमेज हो जाता है, और हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है जब वो कार के नीचे गिरता है तो फ्रिक्शन से उसके पूरे सूट पे आग ले जाती है, और उसके हिसाब से जो एरिया में आग लगती है वो जल जाता है। अगर आप इस ट्रेलर में ध्यान से देखोगे जब सजाम रोड पर गिरता नहीं है उससे पहले उसका सूट ऑलरेडी डैमेज हो रखा था, बस यहाँ पे ये देखने को मिलता है आग लास्ट में ऐड करी गई है। मे बी क्या पता ओनली फॉर ट्रेलर के अंदर ऐड करिए जहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाए कि ये जो आग लगाई ये फ्रिक्शन से लगाई, किसी ने सजाम को कोई पावर या मैजिक करके मारा है उस वजह से नहीं, बट हमारी आंखों ने इसको कैच कर लिया स्लो मोशन में। सो इस ट्रेलर में ये सुंदर सी मोहतरमा देखने को मिली है। इस एक्टर का नाम रिचर्ड जगरल है, बट डीसी ने ये कंफर्म नहीं करा इस मूवी में ये किस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है, बिकॉज अगर हमें बता दे तो हम कॉमिक बुक पढ़ के आपको सारा ज्ञान दे देंगे। और डीसी इस कैरेक्टर को इसलिए बचा रहा है बिकॉज ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंस रखेगी अकॉर्डिंग टू दी विलन या कुछ उसकी पावर के लिए, और हमें स्टोरी लाइन समझना है सजाम 2 की। बट जो ये मोहतरमा है ये कोई और नहीं एटलस की डॉटर होगी। एटलस की टोटल 7 डॉटर थी जिसमें से अभी तक हमें 3 देखने को मिल चुकी है, और ट्रेलर में एक दो डॉटर और देखने को मिलेगी। ये डॉटर उनके साथ बुढ़े लोगों के साथ काम नहीं कर रही, ये जवान है तो सजाम के साथ काम कर रही है, और बाद में जाके सजाम की लव इंटरेस्ट बनेगी, ऐसा इस ट्रेलर में हमें हिंट देखने को मिला है। ट्रेलर खत्म होते होते सजाम एक अपना वही कल फेंक के मारता है ड्रैगन पर, और वो ड्रैगन किसको मार रहा होता है, वो मार रहा होता है फ्रेडी और एटलस की डॉटर थी तो ड्रैगन उनको मार रहा था, सजाम यहाँ पे उनको बचा रहा था। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है फ्रेडी के पास तो पावर है पर वहाँ पे ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, इसका आंसर सिंपल सा है उसकी पावर चोरी कर ली गई है, और चोरी किसने करी है डॉटर ऑफ एटलस, तो वही देखने को मिला है जहाँ पे इसके फैमिली मेंबर कुछ पावर को लूज कर देंगे सजाम को प्रोटेक्ट करने के टाइम। बट लास्ट में होगा अंत भला तो सब भला जहाँ पे सबको पावर मिल जाएगी और बाकी बैक टू नॉर्मल। बट हमें सजाम 3 के अंदर बहुत कुछ औसम दिख सकता है बिकॉज ब्लैक एडम प्रॉपरली सजाम 3 के अंदर दिखेगा जहाँ पे उसकी हाइप एक नंबर होगी। ऑल्दो सजाम के एक्टर ने सोशल मीडिया पे ये भी बोल चुका है अगर ब्लैक एडम वर्सेस सजाम देखने को मिलेगा तो सजाम जीतेगा, और मोस्टली कॉमिक बुक या एनिमेटेड सीरीज में यही हुआ है, जब जब ब्लैक एडम और सजाम लड़ते हैं हमेशा सजाम जीतता है। वो इसीलिए नहीं कि सजाम ज़्यादा पावरफुल है ब्लैक एडम से, वो इसीलिए बिकॉज सजाम अच्छा है ब्लैक एडम ईवल है। बट डीसी के अंदर ब्लैक एडम प्योर ईवल नहीं है, उसको जैसे एंटी हीरो आप समझ सकते हो, और अगर वो एंटी हीरो है तो उसके मोटिव हमेशा बुरे नहीं होंगे, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो अच्छा होने के बाद भी हारेगा, ये बहुत मजा आएगा देखने में सजाम 3 के अंदर। और जो सजाम 2 से मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद है, और लिटरली डीसी अपने उम्मीदों पे खड़ा रहेगा। और एक और बात ये है डीसी कम प्रोजेक्ट ला रहा है, लिटरली बहुत कम, बट जो ला रहा है वो डायमंड है, लिटरली उन सब पे वो मेहनत कर रहा है, सबके कैरेक्टर बिल्ड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है वो, और एक अच्छी मूवी ऑडियंस को दे रहा है। मार्वल भी ऐसा कुछ कर सकता है, और अगर आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी इंक्रीज करोगे और अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा, और मार्वल इधर ही मात खा रहा है। पहले क्या होता था साल में एक दो मूवी आती थी जहाँ पे केविन फाइगी खुद वो मूवी बैठ के देखते थे, और उनको अगर कुछ लगता था वो उसको करेक्शन के लिए भेज देते थे आगे, और अगर टीवी शोज की बात कर लो तो केविन फाइगी खुद देखते थे टीवी शोज, और कुछ उनको खराब लगता था तो उनको वो अपडेट करते थे। बट 2022 में क्या हुआ है, इतने सारे टीवी शोज इतने सारे चीज़ लॉन्च हुए हैं कि मैं लिख के दे रहा हूँ केविन फाइगी ने सब कुछ नहीं देखा होगा, और इसी वजह से क्वालिटी खराब हुई है, क्योंकि वो बंदा हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता, और खासकर हर शो तो बिल्कुल ही नहीं दे सकता। ऑल्दो उन्होंने कुछ कुछ मेजर चीज़ देखी होगी, और मैं ये नहीं बोल रहा कि एक बार शो देखने के बाद हो गया, केविन फाइगी को अगर किसी चीज़ को परफेक्शन लानी है तो आपको 10 बार भी देखना होता है। हमें देख लो मूवी 10 बार देख के आपके लिए प्रॉपर ब्रेकडाउन बनाते हैं, ट्रेलर 50 बार देखते हैं तब आपके लिए बनाते हैं, उसी टाइप से केविन फाइगी ने देखा होगा एक फॉर्मेलिटी के लिए एक बार देख लिया होगा, बट एक बार से कुछ नहीं होता। और इसी के वजह से फेज 4 पूरा मार्वल का ट्रैश रहा है, जहाँ पे उसने एक भी अच्छी मूवी नहीं दिखाई है। ऑल्दो डॉक्टर स्ट्रेंज ठीक ठाक मूवी थी बट उनके मार्केटिंग ने पूरी मूवी लीक कर दी थी, इसीलिए वाव मोमेंट कोई हमें दिखा नहीं, और इसीलिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को मिली। पर ऑल्दो ये डीसी के साथ ऐसा लग नहीं रहा, वो अपने सही पार्ट पर फाइनली चल चुके हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करा है। क्योंकि 2017 में हमें जस्टिस लीग देखने को मिली थी, उसके बाद 2022 चल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम डीसी ने स्ट्रगल करा है,
बिकॉज अच्छे दिन सबके आने वाले हैं, आई होप सो। तो उसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, आई होप को वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, आपके कमेंट का भी जरूर करूंगा पक्का। तो उसी के साथ कल मिलता है आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।